तो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ किसका, ये डिजिटल गोरिल्ला जो ट्राइपॉड है इसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। इसके बारे में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कैसा क्या ट्राइपॉड है, इसको बाय करें या नहीं करें, करने से पहले क्या बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, इसमें जो माउंट वगैरह है वो कैसा आएगा, हमारे जो माइक वगैरह है वो इसमें सेट हो जाएंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ट्राइपॉड है ना, इसके जो ये लेग है, एक तो इसमें यह अल्ट्रा फ्लेक्सीबल जो क्वालिटी आती है इसमें ऐसे कैसे भी इसको अपन ऐसे मोड़ सकते हैं, इसको चाहे जिस प्रकार से अपन इसको ऐसे रख सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, इसमें जो हमें एडवांटेज मिलती है, इसका जो ट्राइपॉड होता है इसके ऊपर जो माउंट रहता है, ये माउंट के ऊपर ये यहाँ पर स्पेस रहता है, इस स्पेस में ये जो ऑप्शन रहता है इसमें हम अपना माइक वाइक है जो इसमें लगा सकते हैं, और ज़्यादातर ट्राइपॉड्स में ये जो है ये फैसिलिटी नहीं मिलती है हमें, ये माइक लगाने वाली, तो इसमें ये एक एडवांटेज मिलती है हमें। और इसके साथ इसमें ये एक एडवांटेज और आती है, इसके साथ ये आता है ब्लूटूथ रिमोट जो शटर होता है इमेज लेने का। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ये होते हैं, एक तो iOS वाला है, एंड्रॉयड वाला है, इन दोनों में से अपन ब्लूटूथ से कनेक्ट करके क्लिक करते फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे है कि ये कई डिवाइस में कनेक्ट होता है, किसी डिवाइस में ये कनेक्ट नहीं होता है, तो इसका ये थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हमें मिलता है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये ऊपर ये गैप होता है और यहाँ पर ये एक दबाने का होता है, इसको दबाकर हम पुश करके इसको लगा देते हैं जिससे ये कनेक्ट हो जाता है। और इसमें हम इसको यहाँ पर टाइट करना होता है, यहाँ पर बिल्कुल तरीके से टाइट कर देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो जाता है और यहाँ पर हम अपना फ़ोन लगा सकते हैं। यहाँ पर अपन अब ये अपना फ़ोन लगाते हैं कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह या कोई भी वीडियो शूट करने के लिए, यहाँ पर हमने ये लगा दिया है, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये मेरे सैमसंग M21 में ये कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, और ये इसमें जो मैंने डिसएडवांटेज बताई कि कई डिवाइस में ये कनेक्ट होने में असफल रहता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। बाकी जो ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट लगा मुझे, और इसमें जो है कि ये मैंने अमेजोन से बाय किया था, लगभग 400 रुपये का ये मुझे पड़ा था, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 KG तक की है, तो इसमें अपन देख सकते हैं इसमें कैमरा तो अटैच होगा नहीं, फ़ोन आसानी से अटैच हो सकता है, और बाकी सही है।